नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपी पीसीएस का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और इसमें पहला वीडियो मैंने दिया था, दूसरा वीडियो मैं अभी देने जा रहा हूँ। इसमें मैप की स्टडी करेंगे काफ़ी डिटेल्ड में, ठीक है। और ये कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा मैं आपको यहाँ पर। मैप से अभी बेस्ड करते हैं पहले डिस्कस। सबसे पहले तो यूपी का अगर आप ये मैप देखें, ठीक है, इसमें जो इसकी पोजीशन है वो कैसे कैसे है और क्या सब चीज़ें, ये सब देखने वाली बात है। अगर देखिए इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देखी जाए तो टोटल, अगर इसको थोड़ा सा आप ऐसे जूम इन कर लें, ठीक है, तो अगर देखें यहाँ से कि ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ठीक है, ईस्ट से लेके जो वेस्ट तक इसकी कितनी है, 650 किलोमीटर, ठीक है, और जो नॉर्थ से लेके साउथ तक ये कितना है, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर है ये, ठीक है। तो यानी कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि जो आपका लैटिट्यूडनल वाला विस्तार है वो कितना है, वो है आपका टोटल मिला के 6 डिग्री 32 मिनट, ठीक है। और जो आपका पूरब से लेकर पश्चिम तक वाला है ये कितना है, ये 650 किलोमीटर है और डिग्री में कितना है, ये 7 डिग्री 33 मिनट। ये है क्या, देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मतलब एक बार देख लीजिए कि मतलब जो ईस्ट जो वेस्ट है इसकी लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ टू साउथ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता ही चुका हूँ कि नॉर्थ में सबसे कौन सा है, सहारनपुर है, ठीक है, ईस्टर्न वाला बलिया है, वेस्टर्न वाला आपका शामली है। शामली से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि लेटेस्ट में अगर आप देखें तो शामली को NCR में इंक्लूड कर लिया गया है और शामली जो है टोटल मिला के 23वां जिला बन गया है NCR में शामिल होने वाला, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का ये कौन सा बन गया है, उत्तर प्रदेश का 8वां जिला बन गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी मैप से, ठीक है। तो टोटल अगर आप ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल अगर देखें तो ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट तक है ये, ठीक है। और प्लस अगर आप इसकी ये जो सॉरी ये लैटिट्यूडनल वाली थी, और लॉन्गिट्यूडनल वाली अगर देखेंगे तो कितनी है ये, 77 डिग्री ईस्ट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखिए जो उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, ये टोटल अगर आप इसका देखेंगे एरिया कितना है, ये है 240,928 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और ये इंडिया के एरिया का कितना है, पूरे भारत के एरिया का ये कितना है, 7.33%, ये ज़रूर याद रखिएगा आप, ठीक है। स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है एरिया में, ठीक है। कौन कौन से टॉप थ्री हैं, राजस्थान है सबसे पहला, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखेंगे तो यूपी है अपना चौथे नंबर पे, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर वन पे, आप जानते ही हैं ये बात, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो टोटल जो ये एरिया है यूपी का, उसमें से कितना एरिया नगरीय क्षेत्र है यानी कि अर्बन एरिया कितना है, 2.7% है ये, करीबन 6,558 स्क्वायर किलोमीटर का है। आप देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यानी कि टॉप एरिया वाले, टॉप थ्री एरिया वाइज और बॉटम थ्री एरिया वाइज, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, ये कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया वाला है खीरी, ठीक है, लखी जो खीरी है आपका वो है सबसे बड़ा एरिया वाला, खीरी है। नंबर टू पे सोनभद्र है और नंबर थ्री पे हरदोई है, तो ये टॉप थ्री हो गए, टॉप थ्री तो कम से कम याद रखिएगा। और सबसे कम वाला है जो एरिया वाला हापुड़, तो खीरी और हापुड़ को जरूर याद रखिएगा। हापुड़ से बड़ा है फिर भदोई का और उससे ज़्यादा है फिर शिव शामली का, ठीक है। तो टॉप और बॉटम की बात करी जाए तो कौन कौन से हो गया, खीरी सबसे टॉप पे है और हापुड़ सबसे ये छोटा है, ये एरिया वाइज ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं दोनों की पोजीशन भी, देखिए ये आपको दिख रहा है लखीमपुर खीरी, ये सबसे ज़्यादा एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है, और इधर ये जो दिख रहा है छोटा सा ये हापुड़ है, ठीक है, ये सबसे कम एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट है। ये दो चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश अपनी जो बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ शेयर करता है, तो ये मैं नॉर्थ साउथ वाली तो बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, आप बताइएगा कमेंट करके रिवीजन करने के लिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी कौन सा जिला है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है और आपका सबसे पश्चिमी कौन सा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश जो है ये अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ भी शेयर करता है, आप मैप में भी देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप। तो ये है नेपाल के साथ कितने जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, 7 जिले हैं टोटल मिला के, ठीक है। अगर आप इधर से चालू करें ईस्ट से लेके वेस्ट तक, तो देखिए ये दिख रहा है आपको महाराजगंज दिख रहा है, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, ये बलरामपुर हो गया,
श्रावस्ती हो गया और आपका बहराइच हो गया, ठीक है, लखीमपुर खीरी हो गया और पीलीभीत। तो सात ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। मैप के साथ आप देख लीजिए, सब दिख रहा है ना आपको, ये देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये सात ज़िले हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये बाउंड्री कितने किलोमीटर की है, करीबन 579 किलोमीटर की है, 579 किलोमीटर की है ये। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस मेंस में आ चुका है कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सटे हुए हैं। तो टोटल मैंने बताया था 8 राज्य हैं और अभी हम लोग सबके एनालिसिस करेंगे कि किस राज्य से कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, प्लस एक यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। टोटल राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 9 है, लेकिन अगर सिर्फ राज्य की बात करेंगे तो 8 है। और उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो नेपाल से होती है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं, जैसे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 7 ज़िले हैं ऐसे, ठीक है। और अगर आप इसमें देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो है सहारनपुर है, ये भी उत्तराखंड से आपकी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ये वाला हो गया, फिर बिजनौर हो गया आपका, और मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया और पीलीभीत हो गया। ये दिख रहा है ना सब आपको, इसीलिए मैंने मैप लिया ये कि मैप से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, काफ़ी ठीक रहेगा। तो उत्तराखंड से कितने ज़िले हो गए, 7, ठीक है। नेपाल से कितने हो गए, 7 ज़िले। अब अगर इस पे आते हैं, दिल्ली से सटे हुए कौन कौन से ज़िले हैं, सॉरी हरियाणा से पहले देख लेते हैं, हरियाणा से कितने, 6 ज़िले सटे हुए हैं टोटल मिला के। ये देखिए उत्तराखंड के बाद ये बगल में आया हरियाणा, तो हरियाणा से अगर बात करेंगे तो ये देखिए पहला तो आपका सहारनपुर ही है, सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, शामली वही वाला है डिस्ट्रिक्ट जो सबसे वेस्ट में है, ठीक है, सबसे पश्चिमी ये ज़िला है। और फिर है आपका बागपत, ये दिख रहा है आपको, बागपत हो गया। फिर उसके बाद है आपका ये गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका है अलीगढ़ हो गया और मथुरा हो गया, ठीक है। तो अलीगढ़ हो गया और मथुरा हो गया आपका। देखिए ये दिल्ली बीच में घुसा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए नहीं दिख पाया ये। तो हरियाणा से कौन कौन सा, एक सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ और मथुरा, 6 ज़िले हो गए टोटल हरियाणा से सटे हुए, ठीक है। अब दिल्ली से अगर आप बात करें तो दिल्ली से कौन कौन से ज़िले सटे हुए, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। एक ये हो गया आपका गाजियाबाद और एक गौतम बुद्ध नगर, तो ये दो की जो बाउंड्री है दिल्ली के साथ है। दिल्ली के साथ कितने हो गए, 2, हरियाणा के साथ हो गए 6। अब अगर आप देखेंगे तो राजस्थान से कितने ज़िले सटे हुए हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। मुझे याद है मेरे राजस्थान के जब मैंने RAS का इंटरव्यू दिया था, राजस्थान PCS का, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैं यूपी से था और कि उन्होंने पूछा था कि राजस्थान के कितने यूपी में जो ज़िले हैं वो शेयर करता है, और मैंने इसका आंसर गलत दिया था, मैंने 3 बता दिए थे जबकि 2 हैं सिर्फ ये, ठीक है। तो राजस्थान से कितने ज़िले हुए हैं, ये 2 हैं, ये आगरा और मथुरा, 2 दिख रहे हैं ना ये, मथुरा और आगरा, इसलिए आप इसको देख लीजिए ध्यान से। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सब ये पूरा का पूरा बाउंड्री शेयर करा है, बहुत ज़्यादा बाउंड्री है इसकी। और ये एक क्वेश्चन भी है एक्चुअली, अगर कभी ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा ज़िले की जो है बाउंड्री शेयर करता है, वो है मध्य प्रदेश, और कितने करता है, 11। आप यहाँ से चालू करिए, देखिए आगरा दिख रहा है, आगरा हो गया आपका, ठीक है, फिर ये इटावा हो गया आपका, फिर ये जालौन हो गया आपका, फिर ये झांसी हो गया आपका, और फिर ये ललितपुर है, फिर ये महोबा है, ठीक है, फिर बांदा है, चित्रकूट है, इलाहाबाद है, और फिर ये मिर्जापुर है, और फाइनली सोनभद्र जो है, इसके बारे में एक और विशेष फैक्ट है कि ये देखिए कितने सारे जो है स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये मैं बता चुका हूँ। वैसे आप बताइएगा कि सोनभद्र इकलौता ऐसा यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, इवन इंडिया का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। किस किस राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है ये आप बताइए, ये मैं बता चुका हूँ पहले। फिर अगर बिहार के साथ देखेंगे तो बिहार से कितने ज़िले सटे हुए हैं, 7 हैं ये, ठीक है, इधर कहीं है बिहार, ये है बिहार, ये बिहार दिख रहा है, बिहार के साथ कितने हैं, 7 ज़िले सटे हुए हैं। तो जो लोग भी BPPSC भी दे रहे हैं उनको भी थोड़ा याद रखना चाहिए कि मान लीजिए इंटरव्यू में पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप रट के जाइए। बिहार के साथ कौन कौन करता है, सोनभद्र हो गया आपका, ठीक है, फिर ये चंदौली हो गया, फिर गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया। अब बलिया जो है सबसे पूर्वोत्तर ज़िला है, मतलब सबसे ईस्टर्न मोस्ट भी है बलिया। उसके बाद देवरिया हो गया आपका, कुशीनगर हो गया, ठीक है, कुशीनगर, और फिर ये महाराजगंज हो गया।
तो ये जरा सी बाउंड्री देख रहे हैं, तो ये बिहार के साथ कितने हो गए, बिहार के साथ हो गए 7। छत्तीसगढ़ से कितने जिले हैं, छत्तीसगढ़ ये नीचे है, ये दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ है, एक जिला है सिर्फ सोनभद्र। झारखंड से भी सिर्फ एक जिला है सोनभद्र, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और झारखंड सॉरी चलो बता दे रहा हूँ, सोनभद्र से कितने जिले हैं टोटल मिला के स्टेट है, एक तो देखिए एमपी दिख रहा है, ये दिख ही रहा है मैप में, सब कुछ दिख रहा है क्लियर, एमपी बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़, 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ से सोनभद्र बाउंड्री शेयर करता है। सहारनपुर से जो सटे कितने हैं, सहारनपुर ऊपर है, ये सहारनपुर से देखिए एक हरियाणा हो गया, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश ऊपर की तरफ हो गया और उत्तराखंड, तो 3 जो हैं आपके स्टेट हिमाचल ये सहारनपुर से करते हैं शेयर। अब उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है सबसे बड़ी जो आपकी सीमा रेखा किसकी है, वो मध्य प्रदेश की। सबसे कम सीमा रेखा जो है आपकी बाउंड्री लाइन वो किसके साथ है, ये हिमाचल प्रदेश के साथ, एकदम जरा सी ऊपर छोटी सी दिख रही है वो, बल्कि दिख भी नहीं रहा है इस मैप में ये, तो सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो किसके साथ है, मध्य प्रदेश के। सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ है, सबसे बड़ी याद रखिएगा मध्य प्रदेश, सबसे छोटी है हिमाचल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा आपकी बाउंड्री लाइन डिसाइड करती है वो कौन सी है, यमुना नदी है वो, ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में, तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत। अब देखिए ये वाला मैप देखिए, ये है एनसीआर का मैप और ये ऑफिशियल से ही उठाया है मैंने। इस समय अगर आप देखेंगे एनसीआर में टोटल जो है 23 जिले हैं, ठीक है, टोटल 23वां वाला जिला कौन सा है, 23वां वाला बना है शामली, ये लेटेस्ट न्यूज़ है यूपी की। अब सबसे ज़्यादा जो एनसीआर में जिले हैं वो किसके हैं, हरियाणा के हैं, ये पूरे आप देख रहे हैं, तो हरियाणा के टोटल मिला के कितने जिले हैं, 13 हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के अब कितने हो गए, 8 हो गए हैं, पहले कितने थे, पहले 7 थे, शामली को भी इंक्लूड करके कितने हो गए, 8, ये शामली हो गया देखिए उत्तर प्रदेश का, ये एनसीआर में, मुजफ्फरनगर हो गया आपका एनसीआर में, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर हो गया, तो ये हैं कुछ आपके सॉरी, और ये गौतम बुद्ध नगर ये भी तो दिख रहा है, 8 हैं, तो टोटल उत्तर प्रदेश में एनसीआर के कितने जिले हैं, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, 8 हैं, 8वां कौन सा है, शामली है, और शामली एनसीआर में शामिल होने वाला 23वां जिला है, ये जरूर याद रखिएगा। और एनसीआर में कितने और हैं, एनसीआर में राजस्थान के 2 और हैं, और प्लस जो एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वो भी तो है ही, तो टोटल इतना है एनसीआर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ डेटा हो गया आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल फिर एक वीडियो मिलेगा। एक बात ये समझ लीजिएगा, ये वाला जो ग्रुप है ओनली यूपी पीएससी करके है, ओनली यूपी पीएससी है ये, ठीक है, कल मैंने गलती से एक दूसरे ग्रुप की दिखा दी थी, वो नहीं है हमारा, सिर्फ ये वाला ग्रुप है ओनली यूपी पीएससी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी तो मैं थोड़े कम बना रहा हूँ, मैं लगातार अभी एक दिन में 4-4 वीडियो दूंगा रिविज़न के, 10-10, 15-15 मिनट के, और उस पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा यूट्यूब में। सबसे अच्छा तरीका यही कि आप इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, पीडीएफ सब नहीं मिल सकती हैं, सब पीडीएफ के लिए तो पेड ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ पीडीएफ मैं इसमें फ्री कर दूंगा वो आपको मिल जाएगी, लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वीडियो का भी नहीं पता चल पाएगा वरना आपको फिर, ठीक है। अगर आपने हमको यहाँ सब्सक्राइब किया है तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वो भी एक तरह से बस ये बताने का है कि आपको कब मिलेगा वीडियो।